और बताओ तुम लोग इस वाली पार्टी कैसे मना रहे हो? तुम बताओ तुम कैसे मना रहे हो? हम तो पटाखों से मना रहे हैं। और तुम? हम दियों से मनाएंगे। दियों से मनने वाली दिवाली कोई दिवाली होती है? दिवाली तो पटाखों से मनाई जाती है। मैं तो सुधियों बोलूंगा। मैं तो आलू बम लगाऊंगा। मैं तो रॉकेट उड़ाऊंगी। मैं तो अनार बम चलाऊंगी। अरे नहीं नहीं, हमें दीपावली तो दीपों से मनाई जाए। दीपावली तो दीपों का त्यौहार है। पटाखे जलाने से पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण सांस लेने में परेशानी होती है। अब जैसी तुम्हारी मर्जी, हम तो पटाखों से दीपावली मनाएंगे। ठीक है, बाय। हमें उनकी बात को नजरअंदाज कर देना चाहिए। हमें दीपावली दीपों से ही मनानी चाहिए। हाँ, सही बात। बल्कि हमें दूसरों को भी मना करना चाहिए कि वे पटाखों से दीपावली ना मनाएं। पटाखों से एयर पॉल्यूशन और नॉइस पॉल्यूशन दोनों बढ़ता है। हमें चल के एक बार लोगों को समझाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। भैया आपके पास पटाखे होंगे? चाहिए नहीं, हम आपको समझाने आए हैं। क्या आपको पता नहीं कि सरकार ने पटाखे बैन कर दिए हैं? सभी लोग बेच रहे हैं इसलिए मैं बेच रहा हूँ। जिसके पास जाओ सब यही कहते हैं, लेकिन शुरुआत तो आपसे ही होगी ना? ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। ठीक है भैया, कोशिश करिएगा और दूसरों को भी मना करिएगा। ठीक है। क्या हुआ क्या हुआ? लगता है पटाखों के धुएं से बेहोश हो गया है ये। हमने तुम लोगों से मना ही करा था कि पटाखे मत फोड़ो, पर तुम लोग नहीं माने। अब इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके चलो। तो आप लोगों ने तो देखा है कि पटाखे के धुएं से ना ही जानवर सुरक्षित और ना ही इंसान। अब तुम लोगों को समझ में आया दिवाली पटाखों से नहीं मनानी चाहिए? धुएं से हमारा दोस्त भी बीमार पड़ गया और बाकी जीव जंतु भी बीमार पड़ जाते हैं। बस वही नहीं, हम भी बीमार पड़ सकते हैं। हाँ, अब से हम भी दियों से दीपावली मनाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। इन पटाखों की आवाज से ये बेजुबान जानवर परेशान होकर इधर उधर भागते हैं। क्या आप लोगों को पता है कि पटाखों से निकलने वाले धुएं से कितने नुकसान हो सकते हैं? पटाखों से निकलने वाला धुआं हवा में जाने लगा। इसकी हवा को तूने खींचा, अपनी सांसों से इसे सींचा। पटाखों से फैल रहा है प्रदूषण, पर्यावरण का हो रहा है शोषण। टीवी अस्पताल जैसी बीमारी को ना देना होता, आतिशबाजी से बच के रहना। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। पटाखों को ना खरीदने से हमारे बहुत सारे पैसे बच सकते हैं, जिससे हम गरीबों की मदद कर सकते हैं। इन पैसों से हम गरीबों को खाना भी खिला सकते हैं और हॉस्पिटल का खर्चा भी बचा सकते हैं। आओ मिलकर दीपावली मनाएं, लेकिन पटाखों से प्रदूषण न फैलाएं।